Hello everyone, welcome back to my little vlog of today. How are you all guys? I hope you all are doing great and good. So guys, आज मैं वर्कआउट वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि आप लोग मतलब बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताते हैं कि मैं वर्कआउट वीडियो क्यों नहीं डालती हूँ. गाइस मैं क्या बताऊँ, मैं खुद ही आज एक महीने के बाद आज वर्कआउट कर रही हूँ. सो मैंने सोचा कि वो वर्कआउट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. सो चलो अभी मैं वर्कआउट को स्टार्ट कर देती हूँ. तो अभी मैंने स्टार्ट किया स्टैंडिंग जैक से. सो वर्कआउट और एक्सरसाइज वट एवर यू कैन कॉल इट्स लाइक ये आपकी बॉडी का एक नीड होते हैं. जैसे आपका बॉडी पानी पीना चाहते हैं, जैसे आपकी बॉडी को खाने की नीड्स होते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज भी एक नीड होते हैं आपकी बॉडी की. जिन लोगों के पास भी टाइम हो प्लीज़ वर्कआउट करें, मैं आप लोगों को बोलूँगी. और मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद नहीं करती हूँ. अभी रीज़न क्या है मुझे खुद नहीं पता क्यों मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आई फील सो लेज़ी सम डेज. या सो अभी मैं 4 क्रंचेस और 4 स्क्वाट्स पल्स को कंप्लीट करने के बाद अब मैं करूँगी क्रंचेस. सो क्रंचेस आपके बेली फैट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाइस. मेरे को एक्सपीरियंस है, आई हैड अ एक्सपीरियंस, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फॉर बेली फैट लूज. क्योंकि एक टाइम था जब मैं बहुत फोकस के साथ मैं करती थी वर्कआउट, बट अभी मैं नहीं कर पाती हूँ. सो अभी ये जो एक्सरसाइज है इसको कहते हैं लीन बैक बॉडी ट्विस्ट. ये भी आपका बॉडी फैट ये भी आपका बेली फैट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. सो ये सारे वर्कआउट जब आप करोगे तो यू फील लिटिल पेन ऑन योर बेली. सो अब अगर फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हो आप, सो ये है मतलब थोड़ा सा रिच होके ऑन आफ्टर दैट नी हक, ये इसको कहते हैं. सो इसको नी हक ही कह सकते हो आप. ये भी आपको बेली फैट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. वैसे मैं जिस दिन वर्कआउट करती हूँ, लाइक आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट डे फॉर वर्कआउट, बट मैं जिस दिन करती हूँ तो उस दिन मैं ट्राई करती हूँ बेली फैट जो एक्सरसाइज कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वही एक्सरसाइज करने की मैं कोशिश करती हूँ. क्योंकि मेरी फुल बॉडी पे कहीं पे इतने भी ज़्यादा फैट नहीं है कि जिसके दौरान मैं मतलब फैट को रिड्यूस करना पड़े. सो मेरी बेली फैट थोड़े बहुत है, इसलिए मैं बेली फैट रिड्यूस करने वाले एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ. सो ये एक्सरसाइज इसको क्या कहूँ, लेग्स को मैं अप एंड डाउन कर रही हूँ. आई डोंट नो द अप्रोप्रिएट नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो इसको मैं लेग्स अप एंड डाउन ही मैं कह देती हूँ. सो ये भी आपके बेली फैट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. एंड नेक्स्ट जो वर्कआउट मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, ये तो मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है. अगर कोई इसको डेली बेसिस पे कर सकते हैं तो उनका तो ऑब्वियसली आपको डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डाइट 80% वर्क करते हैं ना आफ्टर दैट एक्सरसाइज. बट बहुत दैट इम्पॉर्टेंट, आप सिर्फ डाइट कर रहे हो एंड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, दिस इज़ बैड यार. सो मैं ये एक्सरसाइज अभी कर रही हूँ, इसको भी ये करने से भी मतलब इसका ना मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बस मैं कर रही हूँ. सो यस गाइस, आज के सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल वर्कआउट मुझे ये लगा, क्योंकि आई एम डूइंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम टुडे. सो ये कुछ लोगों का होते हैं नी थोड़ा सा ऐसे मतलब प्रॉपर स्ट्रेट नी होते हैं, तो जिन लोगों का भी नी स्ट्रेट नी है वो लोग ये वर्कआउट ट्राई कर सकते हो. ये आपका लेग को स्ट्रेट करते हैं आपकी नी को. वैसे मैं मेरी हर वीडियो पे कहती हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल. सो I want to mean कि I'm not a professional guider on someone workout journey. So मैं जो भी दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं realistic दिखाती हूँ. मैं जो खुद करती हूँ मैं वही आप लोगों को दिखाती हूँ. सो यस, और क्या कहूँगी, और सो ये है मेरी आज की लास्ट वर्कआउट. सो ये वर्कआउट करने के बाद मैं थोड़े बहुत थक गई थी, उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया. तो अगर आप अपना नी को स्ट्रेट करना चाहते हो सो आप लोग ज़रूर इस वर्कआउट को ट्राई करो.
एंड ये मेरी लास्ट वर्कआउट है आज मैंने थोड़े बहुत किया क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद आज वर्कआउट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 month आफ्टर 1 month. So guys, might turn off the fan first. Oh, I'm really getting too much tired for the last exercise. So I just want to say to you that if you like my videos, then please do subscribe to my channel and comment section me. कुछ बताओ, मतलब बताते तो हो आप लोग, बट स्टिल इसके आगे आप लोग कैसे वीडियो चाहते हो वो भी बताओ. यार मेरा ऐसे लग रहा है कि सांस नहीं चल रहे है ठीक तरह. ओके लेट मी ड्रिंक वाटर फर्स्ट. ओ माय गॉड, अभी ऐसे ज़रूरत के वक्त पे ना पानी भी नहीं रहते हैं बॉटल में. पहले ही पानी को भर लिया. एंड गाइस पूरे बॉटल में पानी भरना अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, सो मैं जस्ट इसका हाफ ऑफ भर दिया. मैम वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए मैं 2 घंटे के वर्कआउट में पानी पीना ही भूल गई, विच इज अ बिग मिस्टेक आज के लिए कि मैंने वर्कआउट के वक्त पानी नहीं पिया, क्योंकि बॉडी को डिहाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होते हैं. और वैसे भी मैं पानी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम पीती हूँ. मैं लोगों को ज्ञान दे के मतलब देता हूँ बट मैं खुद, मतलब जब मेरी खुद की बारी आती है तो मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ. बट आज मुझे इसलिए ज़्यादा थकान हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं किया, पानी नहीं पिया इस 2 घंटे में इतनी गर्मी के टाइम पे, इसलिए मुझे इतना थकान फील हो रहा है. बट मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोग वर्कआउट करते हो तो प्लीज़ पानी पियो, बार बार मत पियो, बट 2-3 टाइम तो सिप सिप करके पी ही सकते हो वर्कआउट के बाद वक्त, वर्कआउट के टाइम पे. और क्या बताओ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, किस टाइप की वीडियो चाहते हो वो भी बता दो. चलो आज के लिए बाय, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है. ओह इसको ऑफ भी करना होता है, मैंने सोचा ऑटोमेटिकल हो जाएगा बट नहीं, ये तो नॉर्मल कैमरा है. चलो बाय फॉर टुडे.